हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तो आपके एनटीपीसी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और आपके एनटीपीसी का फॉर्म स्टेटस भी आ गया है। तो आप अपना फॉर्म स्टेटस देख लीजिएगा, जिससे आपको मालूम होगा कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कि जिसे आप अपना स्टेटस चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो। और देखिए आपका 21 सितंबर से जो रेलवे ये स्टेटस चेक करने की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। और आप 30 सितंबर तक फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी होता है तो ये भी बताया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो कब तक कर सकते हैं, आप 21 सितंबर से 30 सितंबर तक अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और देखिए आपको अपना फॉर्म का स्टेटस चेक जरूर कर लेना है, जिससे आपको मालूम होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। और आपकी एग्ज़ाम डेट देखिए 15 दिसंबर से। तो जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम है 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप अपनी स्टडी करते रहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा है। आपको मालूम है कि रेलवे की तरफ से नोटिस आया कि 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा रीज़न देखो क्या होता है कि आपके फ़ोटो में कोई दिक्कत होती है या फिर आपके सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम होगी। अधिकतर इसी में होता है, इसी बेस पर होता है। यदि फ़ोटो साफ नहीं होती, फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम होती है, सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका रिजेक्ट भी होगा तो उसका भी ऑप्शन रहेगा कि रिजेक्ट होगा तो इसके बाद बताया जाएगा कि आपकी फ़ोटो नहीं सही थी, आपके सिग्नेचर नहीं सही थे। तो इसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। मतलब आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा कि क्या करना होगा कि जिससे आप अपने फॉर्म को दोबारा से आपका रिजेक्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना कि आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक ना करें। आप अपने फॉर्म का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट एंड कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।